हाय फ्रेंड्स, नेहा नेहा ठाकुर यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो आज मेरे साथ मिस वाइफ जो बिग बॉस से निकल कर आई हैं, वो तो फिलहाल मिस बनकर अब मिसेस बन चुकी हैं। तो यस, मेरे साथ यहाँ पर मोना है। आई थिंक आप लोग उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उनकी खुशी भी दिखी रही है यार, यहाँ पे गले पे टंगा हुआ है। तो मोना, सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं जानना चाहूँगी, मिस बन के मिसेस बनकर बाहर आई है, ये एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। बिग बॉस हाउस में अंदर जाना ही मेरे लिए एक बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग था कि मैं कभी जा पाऊँगी। मैं जिस शो को हमेशा ऐसा फ़ैन देखती थी टीवी में, उस घर में मैं गई। फिर उसके बाद 14th वीक तक मैं रुकी, और वो भी शादी करके मैं बाहर आई घर। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे आके एंगेजमेंट के लिए विक्रांत ने बोला, बिग बॉस ने इतना अच्छा कदम उठाया, मुझे मिस से मिसेस बना दिए, और मेरा सबसे हैप्पीएस्ट डे बना दिए मेरी शादी का। उन्हें अगर चेंजेस की बात करें तो कितनी ज़्यादा चेंजेस देखते आप अपने अंदर जब आप बिग बॉस के हाउस में गए? मैं बिग बॉस हाउस के अंदर थोड़ी मोटी गई थी, जो जो सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं पतली हो गई हूँ। खाना बनाना मुझे नहीं आता था, तो मैं काफ़ी खाना भी अभी बनाने लगी हूँ। सबसे ज़्यादा बिग बॉस हाउस के अंदर जाके जो होता है वो है पेशेंस। तो पेशेंस मेरे अंदर आई थिंक और बढ़ गया है। वैसे मैं इतना इम्पेशेंट नॉर्मल लाइफ में नहीं थी, लेकिन वहाँ जाके और बढ़ गया है, क्योंकि बहुत टफ है वहाँ पे। मतलब 24 आवर्स ऐसे बिना किसी से बात किए, बिना फैमिली के साथ, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सिर्फ 15 लोगों के बीच आप रहो, और उसके बीच फिर कितने सारे झगड़े और अलग अलग टाइप के लोगों के बीच बिता के आना, मतलब वो अपने आप एक बिग टाइम चेंज है। क्योंकि मुझे स्माइल करते हुए लोग बहुत कम आपको देखे, आप रोई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा क्या होता था? या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है या चीज़ों को नहीं समझ कर पाती थी? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और हाँ, मैं नहीं समझ पाती थी, नहीं संभाला जाता था मुझसे, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली हम लोग नहीं होते हैं। घर में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, वहाँ पे भी रोती हूँ, मतलब दुख होता है तो कोई भी रोते ही है, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही सिचुएशंस थे। अगर मान लीजिए, अगर सेट पे या शूट पे कुछ हो गया, कुछ चीज़ें हमें को बुरा लगती है, तो हम मम्मी पापा से बात करते हैं या विक्रांत से बात करती हूँ, तो हल्का हो जाती हूँ, और वो समझा देता है, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, या डांट देता है, या कुछ ऐसा बोल देता है, पॉजिटिव कुछ बातें बता देता है, तो मैं हल्का हो जाती थी। वहाँ तो इट वॉज़ नॉट मतलब लाइक दैट, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रोती हुई दिखी हूँ। वो मेरा आउटकम था कि मतलब निकल जाए, जो भी अंदर का है वो सब निकल के थोड़ा सा फ्रेश अप मूड हो जाए। बिग बॉस हाउस की बात करें तो कुछ भी बोले, ट्रिपल एम की जोड़ी हमेशा बनी रही है, तो कैसा था उनके साथ बॉन्डिंग? मुझे तो, मैं तो यही कहूँगी कि बिग बॉस घर के अंदर जाने के बाद काफ़ी दिक्कतें हो रही थी मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगता था वहाँ, मुझे निकलने का मन होता था। बट सेकेंड हफ्ते के बाद जब मतलब जेल से मन्नू और मनवीर से मेरी दोस्ती हुई, तो ये इतना लंबा सफ़र मेरे लिए बहुत बहुत आसान रहा, और हम तीनों की बॉन्डिंग भी दिखी है, और वो भी एक अलग ही कुछ बॉन्डिंग था, क्योंकि ये कोई हम लोग प्लान करके तो नहीं गए थे कि हम जाके वहाँ दोस्त बनेंगे या ऐसा कुछ भी, इस टाइप का फ्रेंडशिप बना के रहेंगे, आगे जाएंगे, ऐसा तो कोई कभी नहीं सोचता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद इतने 15 लोगों के बीच में आपको किसी, कोई एक दो लोगों के साथ ही आपकी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, कंफर्टेबल आप उनके साथ ज़्यादा होते हो, तो वैसा ही हम लोगों में हुआ, और हम तीनों के लिए बहुत अच्छा सफ़र रहा, क्योंकि हम तीनों एक साथ इतने हफ्ते तक बने रहे, और अभी भी वो M2 है। हाँ, तो सिर्फ एक बाहर आई है एक हफ्ते के लिए। ओके, तो मोना, जब भी नाम अगर जोड़ा गया, मोना को मन्नू के साथ सबसे ज़्यादा जोड़ा गया है, तो वो क्या था अंदर? मतलब इट्स लाइक फ्रेंडशिप, पर बाहर उसको कुछ अलग तरीके से बताया गया है, तो उसके बारे में क्या? हाँ, वो भी मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम जब पहले दिन से ही हम लोग टोटली सॉर्टेड थे कि उसका फियांसे के बारे में मुझे पता था, मेरे विक्रांत के बारे में मनु को पता था, तो हम लोगों को कभी अंदर से ऐसा कुछ भी फीलिंग इस टाइप का नहीं था कि
जो भी मतलब बताया जा रहा है, हम लोग एकदम फ्रेंड थे एंड डीप फ्रेंड्स थे। और 24 घंटे जब आप साथ होते हो मतलब एक ही घर के अंदर जहाँ बाहर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो फ्रेंडशिप थोड़ी ज़्यादा दिख जाती है। तो उसी हिसाब से दिखा है और उसमें मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे जब थी तो इन लोगों के साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगता था और हम लोगों की बॉन्डिंग रियल में रियल था। अच्छा, अगर बाबा जी की बात करें तो स्वामी जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा अंदर? बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। मैं उनके बारे में तो मुझे बात भी नहीं करना था, लेकिन मतलब वो थोड़े डिफरेंट हो सकते थे, क्योंकि उनका इमेज जो था उस हिसाब से अगर वो चलते, वो हंसी मजाक एक्टिंग वैक्टिंग जो करते थे वैसे ही अगर रहते, उनको काफ़ी टाइम समझाया भी जाता था, बताया भी जाता था। मन्नू मनवीर तो बहुत बोलते थे, मैं भी बोलती थी, बट उन पे कुछ असर नहीं हुआ। पहले हफ्ते से ही लोपा के साथ शुरू किया, फिर मेरे ऊपर अटैक किया, गंदी गंदी बातें किए, और फिर एंड होते होते तो मतलब हद ही पार कर दिए। अच्छा, लोपा और बानी की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा दोनों में फाइट शुरू से ही देखने मिली है, तो ये फाइट क्या है? आई मीन लाइक सिर्फ कैमरे के लिए है या सही में उनकी इतनी फाइट घर में होती थी? मैं मतलब सेलिब्रिटी टीम से हूँ, लेकिन मैं शुरुआत में तो मुझे इतना मतलब मौका नहीं मिला उन लोगों के साथ जेल होने के लिए, तो मुझे ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई मुझे अभी तक नहीं पता चला। बट एक स्की टास्क हुआ था वहाँ पे, बानी ने थोड़ा सा मतलब फिजिकल हो गई थी लोपा के साथ, वहाँ से जो इन लोगों की शुरू हुई, तो वो ग्रजेस वो चलता गया। मतलब होता है ना, जैसे हम लोग, जैसे मेरे साथ भी कुछ कभी किसी के साथ ऐसा झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी छोटे मोटे झगड़े होते थे तो हम लोग फिर सॉर्ट हो जाते थे, ग्रजेस अंदर कोई रखता नहीं था। बट इन दोनों का जो भी रहा वो ख़त्म नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता गया, तो फाइनली बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था उस दिन, मतलब फिजिकल भी हो गए थे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि इसका स्टार्टिंग क्या था, बट मतलब जो कुछ भी होता था वहाँ पे वो जेन्युइन थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बिग बॉस हाउस में कभी ना हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ बनता है। एक न्यूज़ और आपकी शादी को लेके ये बनाया था कि शादी फेक दिखाई गई है, तो ये सच है या नहीं? मैं चाहती हूँ आप टैली मसाला पे इस बात को ज़रूर क्लियर कीजिए, क्योंकि आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये बात ज़रूर पता चल जाएगी कि ऐसी भी न्यूज़ आई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब, जब भी कोई फेक ऐसे बोले जा रहे हैं, क्योंकि हम मतलब शादी लड़कियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना मतलब पवित्र होता है, और उसको लेके ऐसे इस टाइप का मजाक और या कुछ भी अच्छा तो नहीं लग रहा है सुनने में। हम दोनों बहुत मतलब 8 साल से हम लोग साथ में थे, तो हम लोग उसी हिसाब से रहते भी थे, बस हम लोग मतलब सोशल नहीं हुए थे, सिंदूर एंड मंगलसूत्र नहीं लगाए थे, यही डिफरेंस हुआ है। अदरवाइज हम लोग एक पति पत्नी थे, पहले भी वैसे ही रहते थे, तो और अगर बिग बॉस हाउस में नहीं हो तो हम कुछ दिन में करने ही वाले थे, तो वो तो वक्त बता ही देगा कि हम लोग फेक थे कि क्या थे। और हम लोग इतने सिंपल हैं, हम लोग दोनों सिंपल घर से आते हैं, तो हम लोगों के माइंड में ये सब माइंड नहीं चलेगा कि जाके वहाँ पे कुछ फेक, और वो भी इतना इतना पवित्र रिलेशनशिप को ऐसे फेक वे में हम लोग प्रेजेंट करें लोगों के सामने। ओके मुन्ना, मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, उसके साथ आपको घर वाले लोग को बस रिलेट करना है, तो बस उनका नाम आपको लेना है। सबसे फेक घर वाला? अभी तो फेक कोई भी नहीं है। नहीं, जब तक आप थी तब तक की पूरी नहीं, मैं मतलब अच्छा 15 कंटेस्टेंट्स में। हाँ, जो भी जिनके साथ आप। प्रियंका जग्गा। प्रियंका जग्गा, ओके। सबसे ज्यादा जो क्रिएट करता था सीन बिना बात के? ओम स्वामी। अच्छा, ओम स्वामी, ओके। सबसे ऑनेस्ट घर वाला, जो हमेशा सच बोलता था? मैं। ओके, आपके अलावा? सच कौन बोलता था, मतलब सभी लोग सच ही बोलते हैं। नहीं, बिग बॉस में तो सब ज्यादा करके फेक बन के, मतलब आपके हिसाब से जो आपके सामने हमेशा ऑनेस्ट ही फेस लेके रहा है, चाहे कैमरे पे कुछ भी हो। बहुत लोग हैं, राहुल सर बहुत अच्छे थे। सबसे स्वीट घर वाला? मुझे छोड़ के। ओके मुन्ना, आपके हिसाब से कौन बिग बॉस जीतेगा और कौन जीत सकता है, ऐसे दो लोगों के नाम में जानना? ये अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि पांचों लोग जो है वो अपने में एकदम स्ट्रांग है, अभी ऑडियंस भी डिस्कस मतलब डिसाइड नहीं कर पाएगी। मुझे तो बहुत डाउट है कि कैसे डिसीशन होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा फिनाले, पर मैं रियली नहीं जानती, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग पसंद देखने को मिल रहा है। जब भी कोई गेस्ट भी आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो बोलते हैं आप मेरे फेवरेट हो, आप मेरे फेवरेट हो, तो अलग अलग एकदम मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं,
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो, पर जो भी हो ना, किसे देखना चाहती है जीतू? अब जी मतलब अब मेरे फ्रेंड्स अंदर घर में है तो मैं डेफिनेटली उन दोनों में से किसी को चाहूंगी, पर कोई भी हो मुझे, मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, बाहर निकल के किसके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखेंगी आप? अभी फ्रेंड्स तो मेरे प्रॉपर तो वही दोनों बने थे वहाँ पे घर के अंदर। अब बाहर आने के बाद देखिए हर कोई बहुत अपने शेड्यूल में बिजी हो जाएगा, वो लोग भी अभी सेलेब्स हो गए हैं तो उनके भी अपना काम है बाहर आने के बाद, तो अब किसको टाइम रहेगा क्या रहेगा वो हमें मालूम नहीं हो, तो वक्त ही बताएगा। मैं भी काफ़ी बिजी हूँ तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आने का क्या प्लान है? आई मीन बॉलीवुड मूवी भी अब करना करते हुए लोग मना कर देते हैं। मैं तो एक्ट्रेस हूँ, मैं सब कुछ के लिए ओपन हूँ, तो मैं लेकिन मैं भोजपुरी फिल्म्स से आई हूँ तो अभी पहले फ़िलहाल तो वही कंप्लीट करूँगी, जितने भी इनकम्प्लीट फिल्म्स मेरे थे तो अभी जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बट कोई भी ऐसे ऑफर्स आएंगे जो भी मतलब मेरे टाइप के मुझे सोच के, तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड रहूँगी। फैंस को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि 14th वीक तक मुझे बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक्स, बट डिसहार्टन मत होइए, मैं बाहर आ गई हूँ तो क्या हुआ, अभी और बहुत कुछ आगे आपके लिए लेके आऊँगी और आपको ऐसे ही एंटरटेन करूँगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।